हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है मंडे यानी दिन सोमवार और अभी बज रहा है आज सुबह का 9:30। तो आज हमें बहुत लेट हो गया है, मतलब मॉर्निंग में उठ तो गए थे ठीक टाइम से, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, बट हाँ 7:30 पे उठ गए थे। लेकिन हमें आज जाना था अपने घर का सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि लास्ट जब हम पुणे आए थे ना तो सितंबर में हमने सिलेंडर लेके रखा था। तो फिलहाल अभी जो है हमें सिलेंडर के लिए जाना था और चौहान साहब ने बोला था कि मॉर्निंग में हमें जल्दी उठा देना तो सिलेंडर लेके रख लेंगे। क्या है ना, सिलेंडर भी घर पर आ जाता है तो एक हेडक नहीं रहती है। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग में उठ के जो है सिलेंडर लेने के लिए चले गए। हमारा जो है होम डिलीवरी घर पे नहीं आता है, हमारे बस गेट से निकल के बगल में ही मिलता है तो हम लोग वहीं से ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी जो है मैं और चौहान साहब गए थे सिलेंडर वगैरह लेके आए, तो अभी फ़िलहाल बज चुका है 9:30, क्योंकि हम लोग घर से ही गए थे 8:30-9:30 के आसपास। तो आज के जो मेरा रूटीन है ना, बहुत ज़्यादा लेट है। और कहते हैं ना, जिस दिन घर के काम जो है मॉर्निंग में उठने में देर होती है और घर के काम देर से शुरू करो तो उस दिन के बाकी के सारे काम भी बहुत लेट हो जाते हैं। तो फिलहाल देखिए आज मेरा दोपहर का खाना और नाश्ता किस किस टाइम पे होने वाला है। तो फिलहाल अभी तो मॉर्निंग टी हो चुकी है और फ्रेश होके ब्रश करके अभी मैं जो है थोड़ी मॉर्निंग जो काम थे वो तो घर के होते ही रहेंगे, बट अभी थोड़ी अपनी मॉर्निंग वाली योगा और एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद बाहर के जो घर के काम है बाकी के वो देखूँगी। तो फिलहाल अभी करने जा रही हूँ मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज और योगा। तो मेरे कुछ यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे कल मेरे लाइव चैट पे बोला था कि आप प्लीज़ कौन कौन सी एक्सरसाइज और योगा करते हो मॉर्निंग में, तो प्लीज़ उसका छोटा सा वीडियो शेयर करो। तो मैं करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे और आप हमारे वीडियो टाइम से देखते रहें। धन्यवाद। सो फाइनली दोस्तों, अभी जो है मेरा योगा टाइम ख़त्म हो चुका है। ऐसे तो मैं रोज़ाना जो है 1.5 घंटे करती हूँ योगा, 6 बजे उठ जाती हूँ तो 6:30 से जो है 8 बजे तक चलता है मेरा। लेकिन आज क्या है, काफ़ी देर वैसे भी हो चुकी है, बहुत लेट हो रहा था तो आज मैंने बस 1 घंटे ही किया। हाँ, लेकिन मैं अगर जल्दी उठूँ या देर से उठूँ, अगर देर से भी उठती हूँ ना तो काम जो है मैं सारे अपने टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन जो अपना योगा और एक्सरसाइज है ना इसको नहीं छोड़ती, ये मैं जो है अपने टाइम से कर ही लेती हूँ। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैं आ गई किचन में और अपने चौहान साहब के लिए बना रही हूँ चाय और अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, चाय नहीं लेती। तो इधर चाय
चाय गैस पर बनने के लिए रख दी थी, तो जब तक चाय पक रही है मैंने सोचा तब तक जो है यहाँ पे सिलेंडर सेट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सिलेंडर पे जो है अपनी टी शर्ट का ही कवर डाल रखा है। तो जो मेरे घर में मेरी या चौहान साहब की टी शर्ट जो है छोटी है और पहन नहीं रहे हैं, उसको ऐसे ही रखी हुई है, तो सिलेंडर पर उसको इस तरह से पहना देते हैं, तो एक सिलेंडर का भी कवर बना रहता है। तो सिलेंडर को नीचे वहाँ की साफ़ सफाई करके सेट कर दिया, क्योंकि क्या है ना सिलेंडर एक बार रख जाता है ना तो सिलेंडर के पीछे की जो जगह होती है ना वहाँ पे झाड़ू जल्दी जल्दी लग नहीं पाती, तो वहाँ का जो कॉर्नर है वो साफ़ करके मैंने वहाँ पे सिलेंडर रख दिया। और अभी जो है ये चौहान साहब की चाय बन चुकी थी, तो चौहान साहब के लिए चाय और अपनी ग्रीन टी लेके मैं आ गई अंदर। तो यहाँ पे बढ़िया बाहर का जो है हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, तो धूप का बढ़िया जो है बाहर का नज़ारे का जो है मज़ा लेते हुए चाय पी रहे थे चौहान साहब, और मैं जो है ग्रीन टी के साथ टोस्ट ले रही थी स्नैक्स के तौर पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बातें करते करते जो है चाय और ग्रीन टी वगैरह पी, और साथ में यहाँ पर हमारी सासू माँ भी कॉल पर थी, जो कि उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ बस चाय वगैरह पी के ख़त्म की, और कल के जो कपड़े धुले हुए बालकनी में फैले थे वो कपड़े उठाकर रात में ही मैंने अंदर रख लिए थे, बस फोल्ड नहीं किए थे। तो झाड़ू वगैरह लगाने से पहले जो है ये कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगा दे रही हूँ। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी बज रहा है 11:30, पता नहीं मेरे जो घर के आज काम है वो किस टाइम ख़त्म होंगे जाके, कब मेरा खाना बनेगा। मतलब जिस दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना, सारे काम बढ़िया टाइम से रहते हैं, अपने टाइम पे सारे काम निपट जाते हैं और अपने लिए भी समय मिल जाता है, लेकिन आज सोकर उठने में देरी हुई, साथ में घर के कामों में भी देरी हो गई, सारे काम पिछड़ गए। मतलब मॉर्निंग में उठते ही काम शुरू ना करो तो घर के जो जितने काम होते हैं ना वो पिछड़ते ही चले जाते हैं, और सारे जो है बहुत देर से होते हैं। तो फिलहाल कपड़े वगैरह अलमारी में रखी और जो है फिर किचन में आ गई, किचन का थोड़ा सा डस्टिंग कर दे रही हूँ, ऊपर सेल्फ वगैरह पोंछ के साफ़ कर दे रही हूँ, और बर्तन वगैरह तो पहले ही मैंने बर्तन स्टैंड में लगा दिया था, तो यहाँ पे अपना जो है चाय वाय बनाई थी तो थोड़ा सा चिपचिप कर रहा था, कितना भी साफ़ सफाई से करूँ लेकिन चाय वगैरह बनती है थोड़ा बहुत तो गिरता ही है। तो चाय वगैरह बनाई थी तो टॉप काउंटर साफ़ किया, बर्तन धुलने को कुछ थे नहीं आज, क्योंकि आज चौहान साहब भी रात में जल्दी ही सो गए थे, तो मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह जो है हम लोगों ने अभी बनाया नहीं था, और अभी भी ये चाय पी के जो है सोने ही जा रहे थे, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो फिलहाल मैं किचन वगैरह साफ़ करके फिर लगाने लग गई झाड़ू। तो आज जो है ना मैं काम भी कर रही थी, तो क्या है ना जिस दिन काम देर से होता है ना, देर हो जाती है काम करने में, फिर उस दिन जो है पूरे टाइम ही आलस आता रहता है, और सारे कामों को करने में ही आलस आता है और काम करने का मन नहीं करता है। तो आज तो मैं बस यही सोच रही थी कि घर तो साफ़ सुथरा पड़ा ही है, खाली झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद जा रही हूँ नहाने। तो बस पूरे घर की डस्टिंग करके घर में झाड़ू लगाई, लेकिन क्या है ना मैं झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद फिर मन में आ जाता है चलो पोछा ही तो रह गया है, पोछा भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है ये मेरी डस्टबिन है जो आज मैं साफ़ कर रही हूँ। ऐसे तो मैं हफ्ते में एक बार अपनी डस्टबिन अच्छे से साबुन से लगा के मांझ कर साफ़ करती हूँ, पर इधर जो है इस हफ्ते मैंने साफ़ नहीं की थी, और कचरे वाली आंटी भी बीच में एक हफ्ते नहीं आई थी, तो डस्टबिन मेरी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो आज लगे हाथ मैंने सोचा जब देर हो ही गई है तो थोड़ा देर और सही, अभी थोड़े बहुत काम निपटा ही लेती हूँ। तो फिलहाल मन तो नहीं था, बिना मन के भी कर रही हूँ लेकिन कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो है किचन की जो अपनी जो ये बाहर डस्टबिन रखी रहती है बालकनी में, तो ये डस्टबिन वगैरह धुल के बालकनी में इसको जो है उल्टा करके रखा ताकि ये सूख जाए, इसके बाद जो है इसमें जो ब्लैक वाली पॉलीथीन आती है कचरा डालने वाली वो पॉलीथीन लगा के रख दूंगी, तो फिर ये गंदी नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ पे डस्टबिन वगैरह साफ़ की और अपनी किचन की भी जो है सिंक वगैरह को धुल के साबुन से अच्छे से साफ़ किया, पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद फिर पूरे घर में जो है पोछा लगाया। आज मैं अंदर वाले बाथरूम में नहीं, आज मैं जो बीच में बाथरूम है जिसे चौहान साहब यूज़ करते हैं उस बाथरूम में आज मैं बाल्टी वगैरह रख के पोछा वगैरह जो है यहाँ से लगाना शुरू कर रही हूँ। और वॉशरूम तो साफ़ ही रहता है हमारा, चौहान साहब जब भी नहाते हैं ना तो बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर देते हैं, मैं दूसरे वाले में जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, तो फिलहाल बाथरूम साफ़ रहता है। तो आज इसी वाले बाथरूम का मैं भी यूज़ कर रही हूँ, बेडरूम वाले बाथरूम का यूज़ मैंने भी जो है आज पोछा वगैरह लगाने के लिए नहीं किया। तो बस यहाँ पे जो है पूरे घर में फटाफट जल्दी से पोछा लगा दिया। ऐसे तो मैंने पहले सोचा था ना कि मैं जो है
पोछा जो है आज हाथ से बैठ के लगाऊंगी, लेकिन इतनी देर हो रही है कि अब लग रहा है कितनी जल्दी जल्दी मैं काम निपटाऊं। आज तो नाश्ता भी दोपहर सुबह का जो है हम लोगों ने नहीं किया। चौहान साहब तो यहाँ पे सो गए थे और बोले जब तक मैं उठूँ ना तब तक मुझे नहीं जगाना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं वही है कि कितना भी लेट हो जाए लेकिन जो घर के मेन काम है झाड़ू और पोछा वो तो करना ही पड़ता है, उसको नहीं छोड़ सकती। फिलहाल आज मेरा पोछा लगाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जब सारे काम निपटा ही लिए हैं तो इसी काम को मैं क्यों छोड़ रही हूँ, फिर मुझे जो है शाम तक हेडेक रहेगी। इसे बेटर है ना कि थोड़ा सा 15-20 मिनट ही ज़्यादा लगेगा, लगे हाथ पोछा लगा के भी ये काम भी ख़त्म कर देती हूँ। तो ये सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 12:30 जो है 1 बज गया था और मैं 1:30 के आसपास नहा कर आई। तो नहाकर जो है अपने मंदिर में पूजा उजा की, आज पूजा भी मैंने शॉर्टकट वाली की, आरती वगैरह नहीं की, बस भगवान का जो है भोग लगा के दिया जला दिया। और यहाँ पे किचन में जो है आज मैंने दूध भी जब मॉर्निंग में लिया था तो तुरंत गर्म नहीं किया था, तो किचन में आके सबसे पहले जो है मैं दूध गर्म करने के लिए रेडी कर रही हूँ। भगोने में ऐसे मैंने दूसरे बर्तन में लेके रख लिया था, अब उसको भगोने में पलट के भगोने में दूध गर्म करूँगी। ऐसे तो जब भी मॉर्निंग में दूध आता है ना तो मैं तुरंत आने के बाद तुरंत गर्म कर देती हूँ, तो फिलहाल लेकिन आज नहीं गर्म कर पाई हूँ। तो इधर जो है दूध भी गर्म करूँगी और साथ में मुझे खाने की भी चिंता हो रही है कि दोपहर में खाने की तैयारी भी करनी है और यहाँ पर 1:30 बज चुका था। तो फिलहाल आज जो है ना इससे काम जल्दी हो जाते हैं ना, मॉर्निंग में जल्दी उठो ना तो एक बॉडी एक्टिव रहती है, शरीर में आलस नहीं रहता है। तो फिलहाल आज मेरा कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है और खाने वगैरह का भी इतना मन नहीं कर रहा है कि क्या बनाऊं। तो फिलहाल जो है कल तो शाम को चौहान साहब ने बाहर से ही खाने के लिए मंगा लिया था, तो कल मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तो आलू मटर की सब्जी रखी हुई है और रात का आटा भी रखा हुआ है। तो बस मैं वही क्या कर रही हूँ, आटे के जो है लोइयाँ बना के रख ले रही हूँ, इनके पराठे बना कर रख लूँगी और सब्जी रखी और सब्जी के साथ थोड़े से चावल बना लूँगी बस। और यहाँ पे जो है मैंने इसी तरीके से जो है अपना किचन का भी काम निपटा लिया और उसके बाद फिर जो है किचन भी साफ वगैरह करके जो है आई अपनी बालकनी में, क्योंकि अभी जो है बालकनी में भी कपड़े वगैरह पड़े हैं, कुछ कपड़े मैंने रात में धुले थे जो कि मैंने मॉर्निंग में फैलाए हैं, तो बस वही देख रही हूँ कि जो कपड़े सूख गए हैं उनको उठा के रख लेती हूँ और अपने आज मंदिर का भी जो मंदिर के भी कपड़े हैं भगवान जी के कपड़े हैं वो भी धुले हैं, तो बस वही उठा के जो है अंदर रख ले रही हूँ। और बस यहीं पर जो है आज का व्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे बड़ी ज़्यादा थकान हो गई और बहुत आलस आ रहा है, बिल्कुल शरीर एक्टिव नहीं लग रहा। सो गाइस, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।